हालेलुया। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है परमेश्वर के जन का आदर करना आशीष का कारण है। परमेश्वर के जन का आदर करना आशीष का कारण है। हालेलुया। अगर आप उसको खुश नहीं कर सकते हो तो आप उसको दुखी भी ना करें। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप उसको खुश नहीं कर सकते हो तो आप उसको दुखी भी ना करें। अगर आप उसको किसी भी भांति से प्रसन्न कर सकते हैं तो जब कभी परमेश्वर का जन आपको दिल से दुआ देता है, प्रार्थना कर देता है, बोल देता है, वो आपके लाइफ में होना चालू हो जाता है। हालेलुया। ब्लेसिंग का कारण ये नहीं कि आपने पास्टर से दुआ नहीं कराई है। ब्लेसिंग का कारण ये है कि आपने दुआ को दिल से ग्रहण किया है और जिसने आपके लिए प्रेयर की है उस पर ट्रस्ट करते हो। हालेलुया। नहीं, वही कैंसर उसी जन के द्वारा कैंसर दूर होता है, आपका बॉडी पेन क्यों नहीं, आपका माइग्रेन क्यों नहीं दूर हो सकता है जब कैंसर दूर हो जाता है? तो कारण केवल यह है कि आप दिल से उसको रिसीव नहीं करते। दिल से ना रिसीव करने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण यह है कि मैं भी प्रार्थना करता हूं तो प्रभु सुन लेता है, तो मैं ही कर लूंगा, कोई बात नहीं। फिर प्रार्थना करने जाते हैं और मन में यह रहता है कि मैं ही प्रार्थना करता हूं तो काम होता है, पासवान हाथ भी रख देता है तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने उसके ब्लेसिंग को, उसके प्रेयर को रिसीव करने के बजाय आपने मन में रखा है कि मैंने प्रार्थना किया है उसी से ठीक हो जाऊं। प्रभु दिखाना चाहता है कि मैंने अपने जन को क्यों नियुक्त किया है। ऐसी नहीं कि आपकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, पर आपने एक गलत धारणा बना ली है कि मुझे पासवान किसे प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, या उनकी प्रार्थना से नहीं, मैं अपनी प्रार्थना से ठीक हो जाता हूं या हो जाऊंगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि आप अपने अगुए का आदर छोड़ दिए, आपने अपने अगुए पर भरोसा करना छोड़ दिया है कि नहीं 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 जी, मैं भी प्रार्थना करूंगा और मैंने तो उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसके ठीक हो गए, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। इस भ्रम में पड़े पड़े वो बहुत ज्यादा बीमार होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो चाहे दिल से प्रेयर करवाए या ना करवाए, समस्या को लंबे समय तक खींच देता है। तेरे अविश्वास के कारण। हालेलुया। नहीं तो बाप का औदा अलग होता है और बेटे का अलग, चाहे बेटा कहीं भी क्यों ना खड़ा हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पासवान का जो औदा होता है वो अलग है, चाहे आप पासवान के जैसे प्रार्थना क्यों ना करते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर अपने पासवान पर आप ट्रस्ट करना चालू करो, भरोसा करो, दिल से विश्वास करो, तो जो भी वो प्रार्थना कर देगा आपके लिए 100% पूरी हो जाएगी। यह इसलिए नहीं, पर इसलिए कि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे जन का क्या हो, आदर हो, इसलिए उसके थ्रू एक अद्भुत काम करना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, ये पास्टर का आदर करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली फेल हो जाते हैं। बातों से आप समझ जाओगे कि सही बात कर रहे हैं, पर लाइफ से आप समझोगे कि गलत बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक पासवान के घर गया और मुझे प्रभु ने हमेशा उनको बोला कि जब मिलने जाए तो इतना अमाउंट देना है परमेश्वर के जन। मैं जब भी मिलने जाता उतना अमाउंट दे के ही आता था। एक दिन वो
मेरे से कहने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं आपका आदर करता हूं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। हालेलुया। और लिटरली उनके आंखों में आंसू आ गया, लिटरली बता रहा हूं। बातों से ही आप प्रेम नहीं बता सकते हैं, आप अपने कामों के द्वारा बताते हैं कि आप अपने पासवान का कितना आदर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। दुनिया में बातों से प्रेम करने वाले लोगों की अनगिनत संख्या है, पर कामों से प्रेम करने वाले लोग थोड़े हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसी प्रकार बोलने वाले की कमी नहीं है पर करने वालों की कमी है। पासवान आप आधी रात बुला दोगे हम आ जाएंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात पासवान ने बुलाया है और आप थोड़े गए हो? हालेलुया। हालांकि आज तक मैंने किसी को ऐसा बुलाया नहीं, ठीक है, लेकिन ये सब बातें दर्शाती हैं कि आप अपने पासवान से कितना प्यार करते हैं, और यही निर्धारित भी करता है कि आपकी ब्लेसिंग कैसी हो। हालेलुया। यही निर्धारित करता है कि आपकी ब्लेसिंग कैसी हो गई। आइए एक घटना देखते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 8 पद से आगे। यहां पर एक घटना होती है और उस घटना में एक सुनेमी वासी स्त्री रहती है जो बहुत ही धनवान है, जिसके बारे में लिखा है वो कुलीन स्त्री है। क्या लिखा है? कैसी स्त्री है? कुलीन स्त्री है, भली स्त्री है, आदर के योग स्त्री है, महान स्त्री है, धनी स्त्री है। आप उसके बारे में ये सब बातें जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश बाइबल में, तो ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उसके लिए कि वो भली स्त्री है, वो प्रसिद्ध स्त्री है, वो आदर के योग स्त्री है, वो महान स्त्री है, वो धनवान स्त्री है। आज लोगों को धन कलीसियाओं से हटा देता है, आज लोगों का धन परमेश्वर से हटा देता है, आज लोगों का धन पासवान से दूर कर देता है। कई लोगों को तो ये लगता है मेरे पास इतना ज्यादा है, पास्टर के पास तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो बहुत मतलब स्पेशल हूं। ऐसा नहीं है, पास्टर पिता है, उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे आपके पास 10, 20, 25 गाड़ियां हो, चाहे कंपनी ही आपकी क्यों ना हो, पासवान आपका पिता है, उसका मुकाबला आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हालेलुया। बच्चे आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं मैं देखता हूं, पर उनका पिता आज भी बाइक या स्कूटर चला रहा होता है, तो बेटा ये नहीं कह देगा कि मैं बहुत महंगी गाड़ी में चलते हैं, मेरे पिता की कोई आदर नहीं है, कीमत नहीं है। उसके पिता की आदर उसके बेटे से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि वो उसी का बाप है। आमीन। हालेलुया। कुलीन स्त्री थी। मैं इसलिए बोल रहा था यहां पर कि धन परमेश्वर के लोगों को कलीसियाओं से हटा देता है। जब मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखा, जब थोड़े रहते हैं प्रभु का, प्रभु के जन का खूब आदर करते, जैसे चीजें बढ़ने लगती हैं, माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, आप कितना भी बढ़ जाओ अपने पास्टर का, अपने पासवान का इतना आदर करो कि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन उठाता चला जाए, दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने यह नम्रता मुझे सिखाई है, मैं आपको बताकर नहीं दिखा सकता, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं,
और जिनके लिए मुझे करना है मैं करता हूँ, उसको बताने से मुझे फायदा नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कुलीन स्त्री जो थी, धनवान स्त्री, एक जगह लिखा है कि रिच जो है वुमेन थी, लेडीज थी, धनवान स्त्री थी, उसको क्या लेना देना था किसी बात से। परमेश्वर का जन एलिशा उस जगह से होकर गुजरा करता था, मतलब ये घर हो गया और बाहर से परमेश्वर का जन जाता था। हालेलुया, अगर किसी को पता चल जाए कि परमेश्वर का जन रोज इधर जाता है तो दरवाजा बंद कर लेंगे, कहीं नहीं ऐसा ना हो कि आज भी आ जाएंगे, हो सकता है ऐसा भी हो। पास्टर को आज मेरे घर आने के लिए बुला रहे थे, फोन ही बंद कर दो ताकि वो कहे कि अच्छा फोन ही नहीं लग रहा, नहीं जाऊंगा, या भैया मैं थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन कुलीन स्त्री के अंदर भली स्त्री इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक राहगीर को जो परमेश्वर का जन है देखती थी और जानती थी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बाइबल में लिखा है, आप 8-17 पढ़ लीजिएगा, लिखा है ये कि विवश कर दिया कि रोटी खाए। हालेलुया, क्या कर दिया? विवश कर दिया परमेश्वर के जन को कि मेरे घर आपको रोटी खा के ही जाना है। परमेश्वर के जन ने कहा नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, नहीं आपको मेरे घर रोटी खाकर ही जाना है। एलिशा कहता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जहां जाता हूं वहां पे खा लेता हूं। नहीं, आप दूर जाते हो लेकिन आपको आपको मेरे घर खा के ही आपको जाना पड़ेगा। एलिशा ने उसके घर में भोजन किया, दूसरे बार गया, नहीं आपको खाना खाकर जाना ही पड़ेगा। एलिशा कह रहा होगा नहीं 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 खाऊंगा, देखिए मेरी आशीष तो आप मत छीनिए पास्टर जी, आप खाकर जाते हो तो मैं और धनवान हो जाती हूँ, मैं और ब्लेस्ड हो जाती हूँ, मैं और धन्य हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, एलिशा ने कहा भाई खा लेंगे। बार 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 एलिशा जाता था और वो स्त्री हर बार अपने घर रोक कर उसे खाना खिलाती थी। हालेलुया, और स्त्री को यह समझ में आया, अरे ये केवल परमेश्वर का जन ही नहीं है, ये तो एक अभिषिक्त जन है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का केवल जन नहीं है, ये अभिषिक्त जन है, यह स्पेशल व्यक्ति है। पति को बुलाकर कहने लगती है, सुनो जी हम ना कुछ ऐसा करेंगे, देखो खाना तो खिला देते हैं उनको, पेट तो भर जाता है और वो चले भी जाते हैं, परंतु बहुत दूर से थके मांदे पैदल चलकर आते हैं, क्योंकि उन दिन में ये चीजें नहीं थी जो आज हैं, बहुत दूर से पैदल चल के आते हैं, हम ना ऊपर में एक घर बनाते हैं, क्या करते हैं एक कोठरी बना देते हैं, और जब कभी परमेश्वर का जन आएगा, हालेलुया हालेलुया, जब कभी परमेश्वर का भक्त जन आएगा, इंग्लिश में बाइबल में उसको भक्त जन के लिए इस्तेमाल किया गया, होली मैन, पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का जन, भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, इन इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के भक्त जन के विषय में। हालेलुया, ऊपरी कोठरी बनवाएंगे, भीतर में ऊपरी कोठरी बनवाएंगे, एक खाट रखेंगे, एक मेज रखेंगे, एक कुर्सी भी रखेंगे और दीपक दीवट भी रख देंगे। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का जन खाए और इसके बाद थोड़ा आराम कर ले यहां पर, और इसके बाद जाए, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे घर में सोएगा तो मेरा घर भी बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार परमेश्वर का जन साधु सुंदर सिंह कहीं गए थे किसी के साथ, और उनके साथ भी एक परमेश्वर का जन था, तो एक ही बेड था, एक ही चारपाई थी जिनके घर वो क्या हुआ गए थे,
तो वो रिक्वेस्ट करने लगे कि आप सो जाइए। तो परमेश्वर के जन साधु सुंदर सिंह ने कहा, नहीं 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 मैं तो नीचे ही सो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। परमेश्वर के जन एक जगह तबेले में एक साइड सो गए, मतलब बहुत जगह नहीं था उनके पास, तो सो गए वहां पर। तो रात में व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ऊपर सोया हूँ, परमेश्वर का जन नीचे सोया है, मैं रात को जाकर देखो कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है उनको। तो जब जाकर वहां देखा तो देखा कि वो तो हवा में उड़ रहे हैं, इतना ऊपर गड्ढा लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह उठकर कहने लगे कि परमेश्वर के जन पासे जी, आप तो बिल्कुल, आपका गद्दा हवा में लगा हुआ था। साधु सुंदर सिंह बोले, मुझे नहीं पता है। हालेलुया। पता है, अगर परमेश्वर का जन मेरे घर सो जाएगा, परमेश्वर का जन मेरे घर आराम कर लेगा, परमेश्वर का जन मेरे गाड़ी में पहली बैठ गया, मैं गाड़ी खरीद के लाया हूँ और बोले नहीं कोई नहीं बैठेगा, सबसे पहले परमेश्वर का जन बैठेगा, शोरूम में मैं परमेश्वर के जन को लेके जाऊंगा ताकि जब मैं गाड़ी खरीदूं तो सबसे पहले वही बैठे ताकि मेरी गाड़ी ब्लस हो जाए। जब मैं घर खरीदूं परमेश्वर के जन को सबसे पहले बुलाऊंगा ताकि जो मैं घर खरीद रहा हूँ उसमें ब्लसिंग हो जाए। Hallelujah! Hallelujah! क्यों 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 ऐसा? क्योंकि परमेश्वर अपने जन का आदर करता है। Hallelujah! Hallelujah! बाइबल में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर का जन समझकर एक ग्लास ठंडा पानी भी आपको पिला देता है तो वो उसकी आशीष को निश्चय प्राप्त करेगा। Hallelujah! मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 पद पढ़ेंगे। जी हाँ, जल्दी से। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह जब बोलते थे ना कहते थे सच कहता हूँ। इसका मतलब अगर आपने यीशु को अपना प्रभु माना है तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो वो उसने कहा है, और जोड़ देकर कहा कि मैं सच कहता हूं, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। हालेलुया। कभी नहीं, किसी रीति से नहीं खोएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का जन जानकर आदर के साथ पानी पिलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस स्त्री ने इतना आदर किया परमेश्वर के जन का कि आप सोच लो पैसे लगाए घर बनाने के लिए, टाइम लगाया घर बनाने के लिए, दिल था इनका घर बनाने के लिए कि मैं इसमें परमेश्वर के जन को रोक के ही रहूंगी। अभी तो मैं खाना खिलाती हूं, बाद में वो आराम करके भी यही जाएंगे, क्योंकि सुनेमी एक प्रसिद्ध स्त्री, बुद्धिमान स्त्री थी, उसको पता है मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, जिस दिन मैं खुश कर गई परमेश्वर के जन को उस दिन मेरी आशीष तो आनी निश्चित है। हालेलुया। हम कई बार इतना छोटा सा काम पास्टर के लिए करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं इतना बड़ा आशीष आ जाए, करते कि नहीं करते? बहुत बार ऐसा करते हैं, छोटी सी भेंट देकर, छोटा सा काम करके एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी एक काम हो जाए। सुनेमिन स्त्री जानती है मुझे बड़ा आदर देकर बड़ा काम करवाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीक्रेट समझ लीजिए, सीक्रेट है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास डायरेक्ट नहीं आता है, परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों के साथ साथ आगे आगे चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ठीक ठाक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, पासवान को घर में थोड़ी मीटिंग करवाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो करवा लेंगे, फिर धीरे 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 बीमारियां, फिर धीरे 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 परेशानियां, फिर धीरे 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 क्लेश, धीरे धीरे पास्टर जी
बहुत दिन से सोच रहे थे कि मीटिंग कर देते मेरे घर। सच्चाई बता रहा हूँ तो मुझे फटक से पता चल जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। नहीं, बड़े दिन से ना मैं याद कर रही थी आपको, बड़े दिन से मैं याद। छुट क्यों बोल रहे भाई, याद नहीं कर रहे थे तुम, याद तो वो समस्या करवा रही थी कि भैया अब काम नहीं बन रहा है, पास्टर को घर में बुलाकर प्रेयर करवानी पड़ेगी। ये आदर नहीं, ये स्वार्थ है। जब आपके पास आपकी सैलरी आई, जब आपके पास आपकी ब्लेसिंग आई, तब आपने बुलाया क्या? नहीं, मेरी सैलरी आई है, पासवान और उनकी पत्नी को बुलाकर आप स्पेशल ट्रीट देंगे। कब बुलाते हैं? जब काम बिगड़, मतलब आशीष में सहभागी नहीं करते हैं, पर दुख में पासवान को जरूर सहभागी। ये प्रॉब्लम है लोगों की। लेकिन इसने दुख को एक साइड किया स्त्री ने, और बोले जो मेरी आशीष है मैं उसमें परमेश्वर के जन को सहभागी करना चाहती हूं। मेरे पास खाने का है, मेरे पास रुकने का है, मैं इसमें सहभागी करना चाहती हूं। और जो नहीं है वो तो प्रभु ने कर ही दिया उसके लिए। हालेलुया। बुद्धिमानी किसमें है? समझदारी इसमें है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार और मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब अपने घर लोग खाते हैं तो अच्छा भोजन खाते हैं, कई बार पासवान आ गए तो बोले भाई ऐसे रोटी सब्जी बना दो, कोई बात नहीं भैया ऐसे ही बना दी तो मत ना खिलाओ भाई, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? पास्टर तो मना कर रहा है कि नहीं खाएंगे भाई, रहने दो। बोले नहीं, ऐसे खा के चले जाओ। ये भी एक केयरलेसनेस होता है, ये भी एक केयरलेसनेस। आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जब आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाता है, जब आपके घर कोई भला व्यक्ति आ जाता है, थोड़ा धनवान आ जाता है, फिर देखो चिकन मटन बिरयानी सब बन जाती है, पासवान के लिए क्यों नहीं? प्रॉब्लम है, लोग ब्लसिंग पाना चाहते हैं पर उस ब्लसिंग के लिए अपना दिल नहीं खोलना चाहते। सुने मिस्त्री, आइए इस बात को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ पाए। हालेलुया। दूसरा इतिहास, सॉरी दूसरा राजा की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक उसका चौथा अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। क्या किया? विवश किया, मजबूर कर दिया। विनती भी कर रही है और मजबूर भी, प्लीज आपको खा के जाना पड़ेगा, प्लीज आज आपको खाना ही पड़ेगा। एलिशा कह रहा नहीं बहन, रहने दो, नहीं आपको प्लीज खाना पड़ेगा। हालेलुया। अतः जब वह उधर से जाता, मतलब जब कभी उधर से जाता, तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी रोटी कोठरी बनाएंगे और उसमें उसके लिए एक खाट रखेंगे, एक मेज रखेंगे, एक कुर्सी रखेंगे, एक दीवट रखेंगे कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी में रुका रहे, टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपकरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमी स्त्री को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तेरे लिए क्या किया जाए। स्त्री ने नहीं मांगा, एक दिन खिलाया, दो दिन खिलाया, एक महीने खिलाया, दो महीने खिलाया, कुछ नहीं बोला। मैं धनवान हूं इसलिए मुझे खिलाने में दिक्कत नहीं है,
परमेश्वर के जन का आदर करती हूँ, खाइए चाहिए, ये नहीं कि मैं कुछ मांग रही हूं। पर जब ऊपरी कोठरी बनवा दिया और परमेश्वर का जन कहने लगा, भाई इसने इतना आदर किया है हमारा, उसको बुलाओ यहां पर। हालेलुया। 11 से कोई पढ़ देगा? हम कहां तक पढ़ दिए थे? 12 तक? जी हाँ, 13 तक पढ़ेंगे। सेवक है तो वो भी खाएगा, जब मास्टर खाएगा तो गेजी भी खाएगा, जब पास्टर खाएगा उसके साथ जो भी जाएगा उसका भी आदर किया जाएगा, तो गेजी का भी आदर होता। और गेजी अंदर की बात जानता था कि इसको कोई संतान नहीं है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। और उसका पति बूढ़ा है। हाँ। उसने कहा उसको बुला ले। हाँ। हालेलुया। कई बार ऐसे ही हम जब भविष्यवाणी कर देते हैं किसी के लिए तो कई लोग सोचते हैं इतनी बड़ी बात बोले कैसे होगा, नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। एक बार मैंने भविष्यवाणी की थी लोगों के लिए, यहाँ पर सब लोगों के लिए जो हाथ धर के, ऐसे कैसे हो सकता है, हालेलुया, ये तो असंभव सा लग रहा है। अरे उन्होंने खोला बोला कि आपका एनजीओ होगा, उन्होंने बोला बच्चों के लिए तुम बड़ों के लिए एक बड़ा काम करोगे, कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ और बनना चाहती हूँ। अगर बोल दिया ना विश्वास कर वो तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले सो मसीह के। असंभव हो चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, अगर तुम रिसीव कर लिए, विश्वास कर लिए और याद रखते हो तो होगा जरूर। आमीन। हे परमेश्वर के भक्त जन, ऐसा मत करो, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त जन कहता होगा तो अब्राहम को याद कर ले। किसको याद कर ले? अब्राहम को याद कर ले। क्या किया था परमेश्वर ने, तेरे साथ भी वैसे ही होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, नहीं तेरे साथ ये होकर रहेगा, परिस्थितियां मायने नहीं रखती, आपका एजुकेशन मायने नहीं रखता है। कई बार ऐसे लगता हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम इस जॉब को कैसे कर पाएंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम इस पद पर कैसे बैठ पाएंगे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का फेवर बिठाता है आपकी योग्यता नहीं, परमेश्वर का फेवर बिठाता है। क्या मिस्र में पढ़े लिखों की कमी थी? आपको पता है जब दुनिया में एजुकेशन अच्छा नहीं था तो कहां का एजुकेशन सबसे उत्तम था? मिस्र का। मिस्र, आप याद रखो इस बात को, मिस्र में एक से एक बुद्धिमान लोग थे, एक से एक ज्ञानवान लोग थे, एक से एक पंडित थे, एक से एक तारे देखकर बताते थे, एक से एक, हालेलुया, दुनिया भर के जो आप समझ सकते हो देखकर बताते थे, पर किसी ने नहीं बता पाया। परमेश्वर ने अपने जन यूसुफ को खड़ा किया,
और सपने का अर्थ बतवाया और सीधे सीधे उठाकर एक साधारण व्यक्ति को, चरवाहे लोग थे लोग, क्या थे, कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि वो कह रहे हमारे पिता जो है घराना वो भेड़ बकरियां चराते हैं, इसीलिए तो उनको गोसेन में डाल दिया गया था, उधर से जगह थी चराई थी, उधर चारा था, अकेला था, तो इसलिए वहां पर जगह उन्होंने मांगा था, क्योंकि भेड़ बकरियां ऊंट गधियां सब उनके पास थे। चरवाहे से दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, चरवाहे से यीशु को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर का फेवर ऊंचा उठाता है, आपकी केवल योग्यता नहीं। कैसे हो सकता है? एक ब्रदर कल प्रेयर करवा रहे थे, कोई विशेष काम है पूरा हो जाए। मैंने कहा विश्वास कर लो, चाहे विशेष से विशेष काम क्यों ना हो, परमेश्वर पूरा कर सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, छोड़ दीजिए, ये विश्वास कर लो कि जो कहा गया है निश्चय पूरा होगा, तो हो जाएगा। कुल स्त्री ने डाउट नहीं किया, एलिशा आता जाता रहा, गेजी आता जाता रहा, कोई डाउट नहीं हुआ, अगले साल नियुक्त समय पर उसको बेटा हो। हालेलुया। किसान बीज बोता है ना, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान बीज बोता है ना, तो उसको ये पता है कोई बात नहीं, अभी नहीं उग रहा है तो उसका समय आने वाला है, समय पर अपना खाद जो भी देना है पानी वानी देते रहता है, फिर धीरे 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 वो बीज अंकुरित होकर बाहर निकलने लगता है। कुछ बीज होते हैं जो दूसरे दिन ही उग जाते हैं, कुछ बीज होते हैं जो तीन चार दिन बाद उगते हैं, कुछ बीज है जो 10-15 दिन बाद उगते हैं, कुछ बीज है जब सीजन आता है तो उगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बीजों को मैंने देखा है खेत में पड़े रहते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो वो बीज उगने लगते हैं, अपने आप उगने लगते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सीजन आने पर आपके अंदर जो बीज डाला गया है, जो वचन बोला गया है, जो भविष्यवाणी की गई है, जो घोषणाएं की गई है, समय आने पर वो पूरा होकर रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे लोग चाहे विरोधी क्यों ना हो, चाहे आप गरीब क्यों ना हो, वो पूरा होकर रहेगा, क्योंकि जो परमेश्वर बुलवाता है वो निश्चय पूरा होता है। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है, हम गलत किसान है, हम बुरा किसान है, जब बीज लगा दिया गया तो दूसरे दिन ऐसे निकालते हैं, अरे ये पता नहीं, ये लग रहा है बेकार बीज, होने वाला नहीं, चल देख लेते हैं थोड़ा और ढंग से, दूसरे दिन फिर गए, अच्छा ये, अरे ये पता नहीं, ये फेंक दो इसको हटाओ। इसका मतलब जो वचन आपके अंदर बोला गया था ना, आपने उसको फेंक दिया, आप उसको रिजेक्ट कर दिए, इसलिए कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। ये आपके कारण है, ये परमेश्वर के कारण नहीं होता है, ये आपके कारण है। परमेश्वर के एक जन ने, जब मैं उनके साथ सेवा कर रहा था, नॉर्मल बात कर रहे थे, तो बात करते करते बोले, तेज बोली, परमेश्वर तुमको बहुत ऊंचा उठाएगा। मैंने कहा मैं रिसीव कर, परिस्थिति अपने आप बदल गई, चीजें अपने आप बदल गई, और परमेश्वर ने उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बीज जो आपके अंदर बोल दिया गया, ले लो। कैसे होगा मुझे नहीं पता है, कब होगा मुझे नहीं पता है, कहां होगा नहीं पता है, लेकिन पता है कि जो कहा गया वो जरूर पूरा होगा। आमेन, हालेलुया। ऐसे लोग ना ब्लेसिंग को कभी नहीं खोते, क्योंकि वो बीज ना निकालता नहीं है, वो बीज पर पानी डालते रहते हैं, वो बीज पर समय समय पर उसका ध्यान रखते हैं, और मौसम आते ही वो बीज अंकुरित हो जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आंटी जगवती आंटी ने मुझे पौधे दिए थे, मैं पानी डालता था, वो पौधे बड़े हरे भरे थे और उसमें कोई घास फूस नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने देखा बारिश के समय में क्या हुआ, बारिश एक दिन हो गई, मैंने देखा कि छोटे छोटे दूसरे पौधे भी उसमें निकल रहे हैं। मैंने कहा ये तो पता नहीं कब के बोए होंगे, ये पता नहीं कब, जबकि पानी में डाल रहा था,
सीजन आते ही वो क्या हो गए, उगने चालू हो गए। कई बातें जो आपके लिए बोली गई है आपने मन में रखा है। मैं नहीं जानता, पर मैं हमेशा एक काम करता हूँ, किसी परमेश्वर के जन ने अगर मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी, मेरे डायरी में लिखा हुआ रहता है कि जब मैं डायरी खोलूं याद कर लूं कि उन्होंने मुझे लिए कहा है, और वो पूरा हो जाएगा। और कुछ साल बाद, कुछ समय बाद वो पूरा हो जाता है, क्योंकि मैंने बीज को हमेशा ध्यान रखा है, उसका केयर किया है, उसको छोड़ा नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको बार बार और निकाल कर देखा नहीं कि वो ये काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ ये काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और 20 पद, तुम धन्य हो जाओगे अगर तुम परमेश्वर के जनों की बातों पर भरोसा करोगे और भविष्यवाणियों पर भरोसा करोगे, तुम धन्य हो जाओगे। किसी को जल्दी से पढ़ दें, दूसरा इतिहास 20 का 20, 20 का 20 का 20। हाँ, और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हाँ हे यहूदियों, हाँ हे यरूशलेम के निवासियों, हाँ मेरी सुनो, मेरी सुनो, अब ध्यान से सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम कैसे रहोगे, कैसे रहोगे, मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखने से लोग स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, सियोन पर्वत के समान दृढ़ रहते हैं। आंधी आए, पानी आए, आग बरसे, कुछ भी हो जाए, सियोन पर्वत अपने जगह से टलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम स्थिर रहोगे, परिस्थितियां तुमको न हिला पाएंगे, लोग तुमको न विचलित करने पाएंगे, लोगों की बातें तुमको घबराने वाली नहीं होगी, क्योंकि तुम स्थिर हो। लोगों की बातें लोगों को घबरा देती है, रिश्तेदारों की बातें लोगों को घबरा देती है, पड़ोसी कुछ बोल रहे हैं तो घबरा जाते हैं, परिस्थितियां कुछ आ जाती तो घबरा जा जाते हैं, बीमारियां कुछ आती तो घबरा जाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों, सुन लो, तुम विश्वास करते हो उस पर तो आप कभी नहीं घबराओगे, स्थिर हमेशा खड़े रहोगे। हालेलुया। आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, चीजें जाती रहेंगी, पर परमेश्वर का कहा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, कभी नहीं जाएगा। यहोशापात को विश्वास हो गया है, मैं लड़ने जरूर जा रहा हूं, मेरे पास सैनिक नहीं है, कम है, कई देशों के लोग, राजा लोग मेरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। ए लोगों, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, लोग कम जरूर मेरे पास है, लेकिन यहूदियों सुन लो, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो स्थिर रहोगे। लेकिन दूसरी बात आगे पढ़ेंगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम सिद्धार्थ हो जाओगे। हालेलुया, उसकी नबियों की प्रतीति करो, तब तुम धन्य हो जाओगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे, क्योंकि नबी ने कहा था वहां पर उठकर कि तुमको परमेश्वर जीत दिलाएगा, तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, नबी ने उठ के कहा, यहोशापात मत डर, मत डर, तू मत डर भाई, मत डर, इतना डर गया है, मत डर। हालेलुया। 14 पद में, तब आसाप के वंश में से यहजियेल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र एईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। इस लड़ाई में तुम्हें जाना तो जरूर पड़ेगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। 17 पद में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदी यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहना, हरे खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने तो चलना, पर यहोवा तुम्हारे
शांत रहेगा। हालेलुया। अब ये युद्ध आगे लिखा, युद्ध किसका है? अब परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। परिस्थितियां मांगे नहीं रखी है, तीन चार देशों के राजा आकर लड़ रहे, तुम्हारे पास सैनिक कम है, उस राजा को उनके सैनिकों को देखकर नहीं चलना, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे है, उस खुदावन पे है जो धरती आकाश को बनाने वाला है, उस परमेश्वर पे है जो आपको विजय दिला सकता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखते हो तुम इसी रहे खड़े रहना, कल तुमको नहीं लड़ना पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा होकर लड़ेगा। हालेलुया। अब खड़ा तो हो जाओ, अब स्थिर तो हो जाओ, अब मजबूत तो रहो, अब विश्वासी बनकर रहो, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, दुश्मन से लड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर खड़ा हो जाए। हालेलुया। बाइबल ठीक कहती है, दुश्मन दांत पीसते कल जाएगा, जो क्रोधित होता है, जानते हो तुम कैसे नाच कर मेरा दांत पीसते पीसते कल जाएगा। कल एक भाई आया था जिनके पैर में रॉड डली है, कह रहे पास्टर जी कुछ ऐसी प्रार्थना कर दीजिए बस कि ये रॉड अंदर अंदर गल जाए। मैंने कहा तूने कहा है कि गल जाए अंदर अंदर और तेरा विश्वास है तो गल जाएगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विरोधी दांत पीसते पीसते गल जाएगा, उसको पता भी नहीं चला कि वो अंदर से कैसे गल गए, और ये हकीकत है 100% सही। हालेलुया। प्रतिति करो उसके नबियों को, प्रतिति करो उसके जनों पर, यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और धन्य हो जाओगे, प्लसड हो जाओगे। हालेलुया। कुलीन स्त्री ने इस बात को समझा, कुलीन स्त्री ने इसको जाना और परमेश्वर के जन का आदर किया, परमेश्वर के भक्त का आदर किया, उसको अच्छा खिलाया, उसको घर बनाया कि वो रुक सके थोड़ी देर। और परमेश्वर के जन ने कहा कि अगली बार इसी ऋतु में, हालेलुया, परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा, तो छाती से लगाएगी बेटे को। हालेलुया। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि केवल तो प्रेग्नेंट नहीं होगी, परमेश्वर तेरे स्तनों में दूध भी देगा। समझ गया ना? बहुत सारे लोगों को बच्चे हो जाते हैं पर दूध ही नहीं होता है उनके स्तनों में। प्रेज द लॉर्ड। आपको चारों तरफ से ब्लस करेगा, केवल एक तरफ से नहीं। जब आप ब्लसड होगे तो चारों तरफ से होगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। समझ लीजिए, एक घटना और है। अब्राहम की पत्नी सारा को एक राजा अपने घर ले जाता है, परमेश्वर उससे बात करता है कि अब्राहम की पत्नी सारे को छोड़ दे, वो मेरा नबी है। क्या है? क्या है? और जब तेरे लिए बोल देगा ना तो तुम लोग आशीषित हो जाओगे, नहीं तो वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। वो मेरा नबी है, उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। एक परिवार में एक बार मैं बहुत पहले जाता था तो मेरे मुझे कहने लगे कि भैया आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, आप बहुत अच्छे, बहुत आदर, आपका व्यवहार अच्छा है, पर ना आपकी पत्नी अच्छी नहीं है। पर आपकी पत्नी? अरे जब मैं नबी हूं तो मेरे पत्नी पर हाथ उठाओगे तो तुम किधर उठा रहे हो भाई, किधर उठा रहे हो? तुम सीधे परमेश्वर के जन के ऊपर अपना उंगली उठा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। लोग अपने ही श्राप का कारण और अपनी समस्या का कारण बन जाते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। मेरे शरीर का, मेरे हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, मेरा हिस्सा है। आप उसके ऊपर उंगली उठाते हो तो आप मेरे ही बॉडी पर उंगली उठाते हो, उनको पता नहीं। पर मैं जानता हूं ऐसे लोग बहकाने वाले लोग होते हैं जो आपको आपके पत्नी के बीच में दरार डालना चाहते हैं और नीचा गिराना चाहते हैं और आपको कहीं गलत दिशा में भटकाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना हमको। ऐसे लोग आशीषित नहीं होते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो कैसे भी हाथ पांव क्यों ना
मार ले, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, पढ़ देंगे 20:7 पर, उत्पत्ति की पुस्तक 20:7 पर, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20:7। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर तेरी छुट्टी है। ले, अब तू सोच रहा है कि मैं ऐसा रहूंगा, तू तो मरेगा ही मरेगा, सारे लोग मारे जाओगे। छोड़ दे, विनती कर मेरे जन से कि वो तेरे लिए प्रार्थना करे, और प्रार्थना कर देगा तो तू निश्चय ना मरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिमेलेक तो डर गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, तो मैंने क्या कर दिया, ये कौन सी गलती हो गई। अरे वो तो नबी है, नबी, मैंने तो नबी के पत्नी के ऊपर हाथ डाल दिया अपना, ये तो बहुत घोर अपराध हो गया है मुझसे, मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं कि अब्राहम अपनी पत्नी ले जाओ मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मूल्य चुकाया अभिमेलेक ने, मूल्य चुकाया। क्या किया, क्या किया? कई लोग बड़े आसानी से, हम लोग पास टिप्पणी क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई थी बस माफ कर दो। इसने माफी के लिए मूल्य चुकाया। बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं मुझे माफ कर दो, क्या मूल्य चुकाने वाले मिलते हैं? जो मूल्य चुकाता है उसके लिए रियल में ब्लेसिंग है, क्योंकि वो दिल से माफी मांग रहा है। क्या किया इसने, देखिए, तब अभिमेलेक ने 14 में भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अभिमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे अच्छा लगे वहां पर तू चला जा। हालेलुया। मैं केवल हाथ जोड़कर नहीं बोल रहा हूं अब्राहम मुझे माफ कर दे, मैंने जो साहत की किया है उसके लिए मैं सारी भरपाई भी कर रहा हूं। दास भी ले, दासियां भी ले, गधे भी ले, गाय भी ले, बैल भी ले, भेड़ भी ले, बकरी भी लेकर जाओ यहां से, मुझे माफ कर दो। हालेलुया। मतलब वास्तविक पश्चाताप में आप उसका कुछ न कुछ करते हैं, झूठा पश्चाताप में आप बार बार, अगर मान लीजिए आपने पश्चाताप किया और उसके लिए बड़ा इनाम दिया, बड़ा प्रतिफल दिया, तो आप दोबारा गलती नहीं करोगे। अगर आप झूठा पश्चाताप किए तो आज आपको माफ कर दो, दूसरे दिन भी आपको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप गलती रिपीट करोगे। और आपने जान दिया अगर गलती रिपीट करूंगा, पिछले बार 10,000 भरा था, आपको पता है कितने लोग जो दिल्ली में चलाते हैं गाड़ी, तो उनका RC के चलते चलान कटा हो, या फिर उनके गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम हो, 1,500 रुपए भरा हो। देखिए, रेड लाइट जम्पर होने पर तो बहुत लोगों को, हेलमेट ना लगाने पर बहुत लोगों को हुआ है, लेकिन जिनका RC, जिसका पॉल्यूशन, जिसको 1,000-2,000 भरना होगा, पड़ा होगा, जानते हो क्या करेगा वो, अगर उसका पॉल्यूशन ना 10 दिन बाद खत्म होने वाला होगा ना, वो पहले ही अपनी गाड़ी सर्विसिंग करा के 2 दिन पहले ही अपना पॉल्यूशन बना लेगा, पिछले बार 2,000 भर दिया था, प्लीज करके मैं इस बार नहीं भरना चाहता हूँ। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्यों कहते हैं अगर 2-3 बार आप रेड लाइट जंप कर दो लगातार, मतलब कुछ दिनों के अंदर में, तो आपका जो लाइसेंस है रद्द हो जाए। तो आपको पता है कि एक बार रेड लाइट जंप कर दिया ना, तो दूसरे बार आपको कितनी भी इमरजेंसी होगी ना, आप खड़े रहोगे डर के मारे कि भैया 1-2 बार और कर दिया ना, तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा लाइसेंस। तो आप डरते हो क्योंकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पर जो कीमत नहीं चुकाते हैं वो डरते नहीं है। अभिमेलेक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कीमत चुकाना है, क्योंकि मैं ऐसा दुस्साहस अपने जिंदगी में दोबारा नहीं करना चाहता हूं कि नबियों की पत्नी पर और उसके घराने पर अपना हाथ उठाऊं, दृष्टि हालेलुया। लड़ने बाजने की तो दूर की बात है, कई बार पास वालों से ही झगड़ा करने लगते हैं, मेरे साथ तो नहीं होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता हूँ भाई मैं ही नम्र रहूं, तुम ही सही,
क्या दिक्कत है, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं पर तुम ही अच्छे हो, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये सब कामों में अपना टाइम या अपना मन नहीं व्यस्त करना चाहता हूं, प्रूफ करने में कि मैं सही हूं, ये बताने में कि मैं सही हूं तुम गलत हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर मैं सही हूं तो परमेश्वर आज नहीं तो कल उसका प्रमाण आपके सामने ही, आंखों के सामने ही दिखाएगा कि सही है कि नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो अबीमेलेक ने कीमत चुकाई और दोबारा कभी मिस्टेक नहीं किया। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि किस प्रकार से हमको जीवन जीना है और इसलिए उसने सब कुछ बता दिया है, बता दिया है। बाइबल में इसलिए लिखा है कि जो मेरे जन को छुएगा, मेरे लोगों को छुएगा, मेरी आंखों की पुतली को छुएगा, मेरी आंखों को पुतली को छुएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के जन का आदर करने से आप इनडायरेक्टली अपने परमेश्वर खुदा का आदर करते हो। अबीमेलेक ने परमेश्वर के जन का आदर किया, इनडायरेक्टली खुदा का आदर किया और परमेश्वर ने उसको दोबारा उस मौत से उससे नहीं जाने दिया। हालेलुया, जो पानी ठंडा भी लाया परमेश्वर के जन को, उसको भी परमेश्वर ने आदर किया और उसका भी प्रतिफल वो कभी नहीं खोता है। हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मसीह के। आशीष का कारण ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हो, आशीष का कारण ये नहीं कि आप उपवास करते हो, आशीष का कारण ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोलते हो, आशीष का कारण ये भी है कि आप परमेश्वर के जन का आदर करते हो। वो आदर, वो अभिषेक, वो गिफ्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे जिसका आप विरोध करते हैं। लिख लीजिए अपने डायरी में, वो ब्लेसिंग, वो गिफ्ट, वो दान वरदान आपको कभी नहीं मिलेंगे जिसका आप आदर नहीं करते हैं। हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के जनों का, अभिषिक्त जनों का मीडिया पर देखोगे, आजकल वो चलता है फलाना झूठा पास्टर, फलाना ढिमका पास्टर, वो फलाना झूठा प्रोफेट, ऐसे लोगों के लाइफ में उनके कलीसिया में जाकर देना देखना कभी भी चमत्कार नहीं होते हैं। भविष्यवाणी तो दूर की बात है, कभी चमत्कार नहीं होते हैं। लोग आ सकते हैं शायद उनकी शिक्षाओं के कारण। जिस चीज का और जिस परमेश्वर के जन का विरोध करते हैं और जो गिफ्ट उसके अंदर है, जो अभिषेक उसके अंदर है, वो आप कभी नहीं पाओगे, जिंदगी भर नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसका निरादर कर रहे हो। आप परमेश्वर का जन का निरादर कर रहे हो, मतलब उसके गिफ्ट का निरादर कर रहे हो। उस गिफ्ट के लिए आप पापड़ बेल लो कहते हैं ना, तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस गिफ्ट का रखने वाले का, जिसको मिला है उसका आनंद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग कुछ बातें सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं ना। मैं पासवान हूं इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको सिखाना। आप स्टूडेंट हो, आप आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हो, आपका काम है उसका पालन करना, और जो कुछ मैं सिखा रहा हूं इस वचन में लिखा हूं। हालेलुया, हालेलुया, कि अगर एक गिलास पानी भी आप पिला देते तो उसकी ब्लेसिंग है। पानी पिलाने की बात नहीं है, पानी तो देखो दो तरीके से पिलाया जा सकता है, मैं बता रहा हूं, है ना। राहुल इधर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा। अब मैं पानी, राहुल मेरे घर आ गया, अरे कहां आ गया, इसको पानी दे। ओ, ओ, आप आ गए, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, आप मेरे घर आए हो, बहुत खुशी हुई, पानी लीजिए। सच में मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आप जरूर आओगे मेरे घर, और सही में मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने पानी नहीं पिलाया, आपने पानी उसको नहीं पिलाया, आप भूल में पड़े हो कि आपने पानी पिला दिया है, क्योंकि आपने इधर से तो दिया ही नहीं, आपने तो केवल गिलास दिया है पानी भर। नहीं, परमेश्वर का जन है आ गया, वो बैठिए 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 बैठिए, आप बैठिए, ए पानी लाओ पानी लाओ, परमेश्वर के जन आ गए। हालेलुया, लीजिए पानी पी लीजिए। आपने पानी भी दिया और वास्तव में आपने पानी दिया।
भ्रम में कहाँ पड़े हैं लोग? भ्रम में ये पड़े हैं कि हमने पानी पिला दिया, भ्रम में पड़े हमने सेवा कर दिया, पर जो काम किया ना वो दिल से नहीं किया, वो कूढ़ कर किया, वो ईर्ष्या में किया, वो जबरदस्ती परमेश्वर का वचन करता है, कहता है इसलिए किया, मन तो था ही नहीं, इसलिए आप देकर भी नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है एक बात कि ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यहोवा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वचन सही है, ये सही है, वो सही है, पर इधर कह रहे हैं छोड़ो यार, उधर जाओ मौज मस्ती करो, अभी अभी कोई नया साल आ रहा है, गाने गाओ, डीजे बजाओ, शराब पियो, नाचो गाओ, कहां है परमेश्वर है? लेकिन खड़ा हो जाए तो परमेश्वर है। इसका मतलब होठों से आदर करते हैं पर दिल परमेश्वर से कुछ दूर है। आइए हम ऐसे विश्वासी बन जाएं, होठों से आदर करें और अंदर दिल में भी वही बात हो। इसीलिए मैंने बताया था एक वचन, मेरे मुख के शब्द और हृदय का ध्यान दोनों ग्रहण योग्य होना चाहिए। शब्द आप कुछ भी बोल रहे हैं, ध्यान कुछ भी लगा रहे हैं, दोनों में अंतर हो गया ना। ध्यान कहीं लगा रहे हैं और शब्द कुछ बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसलिए लोगों में प्रॉब्लम है क्योंकि ध्यान कहीं और है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ये शिक्षा मिलती है, मैं एक्चुअली आज परमेश्वर ने नहीं, एक सप्ताह पहले ही परमेश्वर ने मुझे, दो सप्ताह पहले ही बोला था कि इस विषय पर मुझे प्रचार करना है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, परमेश्वर मुझे एक दो सप्ताह पहले ही क्या प्रचार करना है बता देता है और मैं उसी पर तैयार करके आता हूँ। मैं जानता हूँ अगर इस करेक्शन को अपने लाइफ का हिस्सा बना लोगे, जैसा आप पहले थे वैसा कभी नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, आपके मार्ग पर आपको ब्लस करेगा। पासवान ने जो भविष्यवाणी आपके लिए बोल दी है, जो आपके लिए घोषणा कर दी है, चाहे यह संभव क्यों ना हो, पर परमेश्वर उसको पूरा करके रहेगा। हालेलुया। पंकज के लिए मैंने बोला था कि पंकज 2021 में निश्चय तेरी शादी होगी। इसने कहा पास्टर मैं विश्वास करता हूँ, मैं ग्रहण कर लेता हूँ इसे। सब आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब बीत गया, अक्टूबर नवंबर आते आते परमेश्वर ने इसके लिए, हालेलुया, इसका मैरिज। इसको पता था अभी भी टाइम है, अभी भी 5-6 महीने अभी है, कोई बात नहीं, 5 महीने तो बीत गए, कैसे